क्या आपको भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फार्म भरना नहीं आता, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसको कैसे भरना है? तो दोस्तों, यदि आपको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का फार्म भरना नहीं आता तो यह वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पंचायत स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फार्म कैसे भरते हैं तथा उसमें क्या क्या भरेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फार्म इस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है आवेदक का फोटो चिपकाना है, जिसमें सरपंच या फिर सचिव का जो है सील मोहर लगेंगे, जिससे जो है फोटो सत्यापित हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत का नाम, तो यहाँ इस डिब्बे में आपको ग्राम पंचायत का नाम भरना है और यहाँ पर ग्राम का नाम भरना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है आवेदक का नाम भरना है, यानी कि जो है किसका आवेदन कर रहे हैं, यानी कि हितग्राही का आपको नाम भर लेना है, जिसके लिए आपको आवेदन करना है उसके लिए। और यहाँ पर जो है पिता या फिर पति का नाम भर लेना है। और यहाँ पर जो है किस जाति से है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य जनरल, अनुसूचित जाति जो भी है, इसमें भर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है आवेदक का आधार नंबर डाल लेना है। और यहाँ पर जो है आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार जो है यहाँ पर नाम भर लेना है। और यहाँ पर महिला है या फिर पुरुष, जो भी आपको भर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है जो है चयनित जो है महिला या फिर पुरुष वहाँ अकेला है या फिर विधवा है या फिर जो है जो भी है विवाहित है, यहाँ पर आपको डालना है। और यहाँ पर आपको अपना धर्म चुन लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं आप चुन लेंगे। और यहाँ पर जो है विकलांगता है, तो विकलांग यानी कि कहाँ पर विकलांग है उसको यहाँ पर दर्ज करना है, या फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं यदि विकलांग नहीं है तो। और यहाँ पर विकलांग का प्रतिशत, यानी कि जो है कितने प्रतिशत विकलांग हैं, यानी कि कितना है विकलांग हुए, उसका प्रतिशत आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। और हितग्राही का यानी कि आवेदक का यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेना है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर यदि किसी और का है तो उसका नाम डाल लेंगे कि किसका मोबाइल नंबर है, या फिर हितग्राही का ही नाम डाल देंगे। और यहाँ पर यदि आप किसी और का मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो मोबाइल स्वामी से रिश्ता, यानी कि हितग्राही यानी कि आवेदक से क्या रिश्ता है, जिसका मोबाइल नंबर डाल रहे हैं उसको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर लिखा है क्या परिवार से कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो यहाँ पर बीमारी का नाम लिखा है, देख सकते हैं जो बीमारी से पीड़ित हैं वो इस डिब्बे में लिख लेना है, या फिर अन्य बीमारी से पीड़ित हैं तो इस डिब्बे में लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको बैंक खाता का विवरण यहाँ पर मांग रहे हैं, तो आपको इस यहाँ पर सही सही बैंक खाता का विवरण डाल लेना है। तो आपको बैंक खाता के विवरण में आपको डालना है बैंक शाखा का नाम डालना है यहाँ पर, और आईएफएससी कोड डालना है यहाँ पर, और जो है बैंक खाता नंबर डाल लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर बैंक खाता में दर्ज
अंग्रेजी अक्षर में नाम यानी कि अंग्रेजी अक्षर में यहाँ पर नाम दर्ज कर लेना है जो भी बैंक में है। और क्या अदक ऋण लेना चाहते हैं? यदि आप ऋण लेना चाहते हैं प्रधान आवास योजना के तहत आपको ऋण भी मिलता है। यदि उतने में जो है बजट नहीं बनता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बैंक से ऋण भी देता है। तो यहाँ पर हाँ नहीं यहाँ पर डाल लेंगे। और यहाँ पर लिखा है मनरेगा जॉब कार्ड नंबर, यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन का आईडी नंबर यदि है तो यहाँ पर डाल लेना है। और राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल लेंगे, आपको इसी हिसाब से भरना है। और यहाँ पर दिया गया है फार्म में संलग्न यानी कि इसके साथ क्या क्या अटैच करके आपको जमा करना है। हितग्राही का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति और मनरेगा जॉब कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति। तो ये सभी फॉर्म आपको की ये सभी की छाया प्रति आपको फॉर्म के साथ जमा करना है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है यहाँ पर सरपंच का सील मोहर, सरपंच एवं सही सचिव का सील मोहर यहाँ पर लगना है। और यहाँ पर क्षेत्र के BDC का सील मोहर लगना है या फिर हस्ताक्षर भी चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के फॉर्म को इसी प्रकार से आपको भरना है। दोस्तों जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पंचायत स्टेडियम नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।